नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आप ज़रूर ये नोटिस किए ही होंगे कि मार्केट में बहुत सारा न्यू फ़ोन आया है जो आपको देख के बहुत ही पसंद आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपका फ़ोन पुराना है तो आप ज़रूर उस नए वाले फ़ोन से अपने फ़ोन को एक्सचेंज करना चाहते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक्सचेंज को लेके ही थोड़ा बहुत बात आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में आपको ज़रूर ऐसा कुछ टिप्स मैं दूंगा जिस टिप्स को यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से अच्छा खासा एक फ़ोन, न्यू फ़ोन और पुराने फ़ोन के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ सुशोभन आपके साथ और आप देख रहे हैं टेक ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज का ज्ञान बांटते हैं। तो दोस्तों, वीडियो तक इतना दूर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी से कर दीजिए वीडियो को बिग लाइक। दोस्तों, मैं मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारा आपका रिव्यू करता हूँ एंड ऐसा ही कुछ छोटा मोटा टिक आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, करने के बाद वो बेल वाला आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आई होप आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आपने ज़रूर ये नोटिस किए होंगे कि ये 2019 है, तो इस साल में बहुत अच्छा अच्छा फ़ोन हमारे सामने लॉन्च होके निकल आ रहा है। और अगर आप देखेंगे कि 2018 से लेके 2019 तक बहुत ऐसी तरह के फ़ोन मतलब लॉन्च किया है बहुत अच्छा अच्छा कंपनी ने, तो ऐसी परिस्थिति में आपके दिमाग में ज़रूर एक ख्याल आएगा कि अगर आपका फ़ोन पुराना हो चुका है तो आप ज़रूर एक न्यू फ़ोन के साथ अपने पुराने फ़ोन को एक्सचेंज करना चाहोगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? ज़रूर कोई सा भी नज़दीकी मार्केट में जाओगे या सेलर के पास अपने फ़ोन को भेज दोगे। लेकिन दोस्तों, आपका ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो फ़ोन है उसका सही दाम आपको नहीं मिलेगा। वो नया फ़ोन परचेस करने के लिए आपको दुगना पैसा देना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा टिप्स दूंगा जिसको यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से अपना जो पुराना फ़ोन है उसके साथ न्यू फ़ोन को परचेस कर सकते हैं विथ एक्सचेंज ऑफर के साथ में। कैसा करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। और ये जो टोटल प्रोसेस है, ये मतलब ऑनलाइन एक शॉपिंग साइट मतलब फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके मैं दिखाऊंगा आपको, वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा ऑफर चलता रहता है। तो आप अपना फ्लिपकार्ट ऐप ओपन कर लीजिए और मैं चलता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और आपको वहाँ पर से ही टोटल प्रोसेस जो है बता देता हूँ। मैं फाइनली आ चुका हूँ मेरे फ्लिपकार्ट अकाउंट के ऊपर और यहाँ पर देख लीजिए ये जो मोबाइल वाला सेक्शन है इसके अंदर मैं चला जाता हूँ। जाने के बाद सपोज़ मान लीजिए मुझे Redmi Note 7S के साथ मेरा जो फ़ोन है Honor 7 है उसको बदलना है, तो मैं सीधा जाऊँगा इसके ऊपर। जाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको फ़ोन का नाम दिखेगा और कलर वेरियंट सब कुछ ऊपर दिखेगा। देखने के बाद रेटिंग्स, उसके बाद दाम, उसके बाद देखिए एक्सचेंज अवेलेबल, तो इसके ऊपर टैप कीजिए, मतलब वो फ़ोन के ऊपर टैप कीजिए। टैप करने के बाद सीधा ऐसा स्क्रॉल करते करते नीचे आइए और यहाँ पर देख लीजिए लिखा है एक्सचेंज ओल्ड डिवाइस गेट अप टू, यहाँ पर आपका प्राइस लिखा है, तो इसके ऊपर सीधा टैप कर दीजिए। कर देने के बाद आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे दूसरा पेज में जहाँ से आपको एक्सचेंज करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ से आपका बैंड सिलेक्ट करना है, तो मैं करता हूँ, मेरा Honor है तो Honor कर दिया। कर देने के बाद यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर दिखा रहा है इज दिस द ड्राइव यू आर यूजिंग राइट नाउ, तो मैं अभी इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसको यस करूँगा। तो करने के बाद यहाँ पर देखिए मेरा जो फाइनल मतलब फ़ोन का दाम है वो यहाँ पर आ गया, एक्सचेंज वैल्यू 2400 रुपये। तो दोस्तों, पैकेजिंग चार्ज मुझे 100 रुपये इन लोगों को देना पड़ेगा और एक्स्ट्रा मुझे जो प्राइस लगेगी वो है 8699 रुपये, मतलब ये प्राइस मुझे उन लोगों को पे करना पड़ेगा, तो तभी मेरा फ़ोन आके यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर देखिए अनदर मोबाइल टू एक्सचेंज, अगर इसके ऊपर टैप करेंगे तो और कोई मोबाइल के साथ आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं, तो मैं फ़िलहाल इसको ही छोड़ देता हूँ। और देने के बाद यहाँ पर देखिए आई अंडरस्टैंड, तो इसके इस बॉक्स को आपको टिक लगाना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ बोला गया है, अच्छी तरह से आप पढ़ लीजिएगा। तो लेने के बाद यहाँ पर देख लीजिए मैं इसको ऐड टू कट करता हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर बोला गया है कि आपका ईएमआई नंबर वेरीफाई होगा डिलीवरी के बाद और आपका स्क्रीन लॉक एंड आई क्लाउड लॉक ये सब कुछ डिजेबल कर देना है आपको। और यहाँ पर मतलब जो हेडफोन का पोर्ट है, चार्जिंग पोर्ट है, वो सब कुछ सही तरह से रहना चाहिए, डैमेज नहीं चलेगा। और यहाँ पर आपको जो इमेज में दिखाया गया है देख लीजिए, मतलब फ़ोन का स्क्रीन या कोई सा भी टूटा फूटा
मतलब फ़ोन के अंदर कोई सा भी टूटा फूटा होगा तो नहीं चलेगा, मतलब एक्सचेंज नहीं होगा। तो अगर आपका सब कुछ सही है तो ओके कंटिन्यू कर दीजिए। देने के बाद ये देखिए ऐड आइटम टू कार्ट, मतलब मेरा आइटम कट हो गया, तो देख लेते हैं। पर देख लीजिए मुझे जो फाइनल प्राइस देना है यहाँ पर 8,699 रुपये, तो मुझे अगर ये प्राइस मंजूर है और मुझे इसे ख़रीदना है तो ये हमारे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके जैसी तरह आप बाई करते हो बाई कर लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए डिलीवरी इन 2 डे, मतलब 2 दिन के अंदर ये फ़ोन अगर मैं ऑर्डर करता हूँ तो मुझे डिलीवरी हो जाएगा और मेरा जो पुराना फ़ोन है ये उन लोग ले जाएगा, उसके बदले मुझे ये नया फ़ोन मिल जाएगा। तो दोस्तों यही था टोटल कंप्लीट फंडा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर देना। नीचे मेरे चैनल टेक गेनी को सब्सक्राइब तो यार ज़रूर करते जाना और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते भाई नीचे जाओ, वहाँ पर जाके मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा। जाके इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो ज़रूर कर लेना क्योंकि आपको आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ सबसे पहले मिल जाएगा और इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा टाइम मैं एक्टिव रहता हूँ, तो फॉलो मुझे ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।